everyone, this is Anjali and इस वीडियो में हम करेंगे bitwise operators in C++. So arithmetic operators, relational operators, logical operators and assignment operators हम already कर चुके हैं जो कि binary operators का part होते हैं और ये last category है under the binary operators, means वो operators जो दो values पे काम करते हैं. इन्हें आप अपनी programming में बहुत कम use करोगे unless आप बाइनरी वैल्यूज पे काम कर रहे हो. सो अभी हम इनके थ्रू जो काम करते हैं वो वेरिएबल में स्टोर हुई डायरेक्ट वैल्यू पे नहीं करते, रादर जो उनका बाइनरी फॉर्मेट बनता है, जो जीरोज एंड वंस का फॉर्मेट होता है, उसके ऊपर काम करते हैं. सो अगर कभी आपको जीरोज एंड वंस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो आप बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो. आई विल शो यू, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं और बाइनरी वैल्यूज किस तरह से ऑपरेट होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. बिफोर वी स्टार्ट, ये जो सिंबल्स आप यहाँ पर देख रहे हो, इसमें से जो ये पहला सिंबल है डबल ग्रेटर देन साइन, इसे कहते हैं राइट शिफ्ट. ये जो सिंबल है दिस इज लेफ्ट शिफ्ट, दिस इज अरिथमेटिक राइट शिफ्ट, दिस इज एंड और जोर एंड नॉट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड सी हाउ डज इट वर्क. सो हम चलते हैं कोड ब्लॉक में. सो ये रहा आपका कोड ब्लॉक. ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं, सेम n में 9 है, m में 5 है. अब अगर आपको आता है कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, इफ़ यू आर इन क्लास 12th तो भी आप 11th और 12th में पढ़ते हो कि किस तरह से कन्वर्जन होती है. इवन आप BCA B.Tech कर रहे हो तो आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होगा जहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं. सो जो 9 है एक्चुअली में वो क्या होगा, 9 को अगर मैं 8 बिट्स में लिखूँ, सो 9 की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी दिस, दिस इज 9 इन बाइनरी, 0000001001. एंड अगर मैं 5 को लिखूं तो 5 होगा ये. सो ये है मेरे पास 5 और ऊपर वाला है 9. सो अगर आपको नहीं पता है कैसे कन्वर्जन्स करते हैं तो मेरी वीडियोस में वीडियो है जिसमें हम डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो एक्सप्लेन है. आई विल गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो देख सकते हो कि किस तरह से कन्वर्जन होती है. बट दीज आर 9 एंड 5. ओके, अब मुझे क्या करना है, करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस पॉसिबल हैं. मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ n एंड m, ठीक है, n एंड m. अब एंड का काम वही है जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स में होता था कि जहाँ पर दो वन है, मतलब जब दोनों ट्रू है तो ट्रू लो, जब एक फॉल्स है तो फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स होगा. सो एज पर दैट अगर मैं इसे एंड करती हूँ तो 0 एंड 0 इज 0000, 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 0 इज 0 0. सिर्फ ये वाली पोजिशन पर दोनों 1 हैं तो हमारे पास 1 आना चाहिए. अगर हम इस चीज़ को रन करेंगे देखते हैं क्या आंसर आता है. बट उससे पहले ये जो मैंने लिखा है इसे मैं कर देती हूँ कमेंट. कमेंट मतलब वो कोड जो कि प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये सिर्फ हमारी अपनी रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं. सो ये कमेंटेड आउट है एंड नाउ सी व्हाट डज इट प्रिंट. तो रिजल्ट के लिए जो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए वो प्रिंट होना चाहिए 1. सो इसको मैंने रन किया और रन करने पे देखा कि क्या प्रिंट होता है. सो रन करने पे क्या प्रिंट हुआ, 1. दिस इज हाउ योर बाइनरी एंड वर्क्स. अगर मैं यहाँ पे बाइनरी और परफॉर्म करती हूँ तो बाइनरी और का काम क्या है कि दोनों में से एक भी 1 हो तो रिजल्ट 1 आता है. तो एज पर दैट अगर मैं बाइनरी और परफॉर्म करूं तो मेरे पास यहाँ पे भी 1 आना चाहिए और यहाँ पर भी 1 आना चाहिए. सो इट शुड बी 1 1 0 1. सो ये होगा 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13. और हम यहाँ पर एंड की जगह चेंज करके इसको और कर देते हैं. सो और के लिए आता है सिंगल पाइप साइन. सिंगल पाइप साइन का मतलब है कि आप बिटवाइज और ऑपरेटर यूज कर रहे हो. और इसको अगर हम रन करते हैं तो अब आंसर आना चाहिए 13. सो दिस इज 13. सो ये जो है ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, बिट वाइज और. जहाँ पर दो 1 है तो 1 आ जाएगा, एक भी 1 है तो भी 1 आएगा, जब दोनों 0 होंगे तो ही वैल्यू 0 आती है. सो बिट वाइज एंड हमने देख लिया, बिट वाइज और हमने देख लिया, इसके बाद है बिट वाइज जोर. ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, इट्स नॉट एक्सक्लेमेशन, कैरेट साइन, या सो ये जो कैरेट साइन है ये है आपका जोर. अब जोर में क्या होता है कि एक्सक्लूसिव और, दोनों 0 हैं तो भी 0, दोनों 1 हैं, दोनों 0 हैं तो भी 0, दोनों 1 हैं तो भी 0,
दोनों में से एग्जैक्टली एक वन होना चाहिए ताकि आपके पास वन आंसर आए. तो जहाँ पे लास्ट में दोनों वन थे ये यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वन और वन आएगा क्योंकि इसमें वन ज़ीरो है, इसमें ज़ीरो वन है. तो जब कोई एक वन है तो आंसर इज़ वन, लेकिन अगर दोनों वन है तो भी ज़ीरो, दोनों ज़ीरो हैं तो भी ज़ीरो. ये है 12 इन डेसिमल. इसको अगर मैं रन करती हूँ तो ये प्रिंट करेगा 12, क्योंकि इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू 12 बनती है. सो दैट्स हाउ यू गेट इट. बाकी आप ऐसे और बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि हम नॉट कर सकते हैं. नॉट का पर्पस क्या होता है? निगेट करना, मतलब जहाँ जहाँ पर ज़ीरो है उसको वन कर दो, जहाँ जहाँ पर वन है उसे ज़ीरो कर दो. सो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आर स्टोर्ड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. उनकी जो पहली बिट होती है वो ज़ीरो नहीं होती, वो वन होती है. सो अगर मैं यहाँ पर अब इसको रिज़ल्ट को प्रिंट कराती हूँ, आई एम नॉट शोइंग यू द एग्जैक्ट कन्वर्जन कैसे होगी, दैट्स अ लॉन्ग थिंग. उसके लिए आपको कन्वर्जन अच्छे से आनी चाहिए, बट बाय चांस उसकी जो वैल्यू आ रही है वो ज़ीरो आ रही है. सो इट कुड बी एनीथिंग एल्स ऑल्सो, बट नॉट का पर्पज़ क्या है कि जहाँ जहाँ पर भी ज़ीरो है उसे वन कर दो, और जहाँ जहाँ पर वन है उसे ज़ीरो कर दो. हम दूसरा काम करके देखते हैं. हम यहाँ पर करते हैं राइट शिफ्ट. सो मैंने क्या किया, एन राइट शिफ्ट वन, मतलब एन में जो बिट्स हैं उसे एक बिट राइट साइड पर शिफ्ट कर दो. सो एन में ये है आपके पास, ठीक है. अगर आप इसमें से राइट वाली बिट, ये जो राइट मोस्ट बिट है वन, इसे ड्रॉप कर दोगे तो आपके पास पीछे बचेगा 100, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 4 इन डेसिमल. तो अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास जो आना चाहिए दैट इज़ 4, ये आया 4, ठीक है. अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करती तो वो बन जाता 100010, मतलब वो 18 हो जाता. सो जब हम राइट शिफ्ट करते हैं सो इट्स बेसिकली इंटीजर डिवीजन बाय 2, और जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो सो दिस इज़ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन बाय 2. शिफ्ट ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन से कहीं ज़्यादा फास्ट होते हैं. तो अगर आपको अपनी प्रोसेसिंग फास्ट करनी है एंड आपको कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे आपको बार बार 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर राइट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशंस का यूज़ किया जा सकता है. सो शिफ्टिंग वन बिट टूवर्ड्स राइट हैंड साइड डिवाइड्स योर नंबर बाय 2, एंड शिफ्टिंग वन बिट टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइज योर नंबर बाय 2. जैसे अगर मैं यहाँ पर एन की जगह एम को कर देती हूँ तो प्रिंट होगा 10, क्योंकि 5 था उसमें. आपने अगर उसको लेफ्ट साइड पे वन बिट शिफ्ट किया तो 10 हो गया. आप 2 बिट शिफ्ट करते तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाता. ऐसे ही जितनी भी बिट से करेंगे 2 की पावर के अकॉर्डिंगली वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन आपके पास है अर्थमेटिक राइट शिफ्ट. वो समझने के लिए आपको अपना साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म समझनी ज़रूरी होती है, कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है हमारे पास, और यू कैन से द नॉट द लीस्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विच इज़ योर राइट लेफ्ट मोस्ट बिट, वो साइन बताती है नंबर का कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सो नॉर्मली जब शिफ्ट होता है राइट साइड पे तो ये जो राइट वाली बिट है ये डिस्कार्ड हो जाती है और यहाँ दूसरी साइड से एक ज़ीरो ऐड हो जाता है. सो यूजुअली हमेशा ज़ीरो ऐड होता है, पर अगर आप अरिथमेटिक राइट शिफ्ट यूज़ करोगे तो वो साइन चेक कर लेता है. अगर तो साइन ज़ीरो है तो ज़ीरो ऐड करेगा, अगर साइन बिट वन है तो वन ऐड करेगा. सो विच बिट विल बी एडेड दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टिंग साइन ऑफ द नंबर. तो अगर वो एग्जिस्टिंग माइनस वन था, मतलब नेगेटिव था, तो वन ऐड होगा, पॉजिटिव था तो ज़ीरो ऐड होगा. सो शिफ्टिंग वैसे ही रहती है, सिर्फ वो साइन को प्रिजर्व करके रखता है. दैट इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक राइट शिफ्ट. सो दैट्स इट. दीज आर योर बाइनरी ऑपरेटर्स जो कि बिट वाइज ऑपरेटर्स कैटेगरी में आते हैं, जिनका एक्चुअल इफेक्ट आपके सामने दिखने वाले नंबर्स पे नहीं पड़ता, बट इन अ वे उसकी आपको बाइनरी वैल्यू पता होनी चाहिए, और उन बाइनरी वैल्यूज पे काम करने के लिए हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं. सो यू वॉन्ट बी यूजिंग इट मच अनलेस आप इसमें कोई नेटवर्क सिक्योरिटी के इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के प्रोग्राम्स बना रहे हो, अदरवाइज आप इसको हार्डली कभी यूज़ करोगे. बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं. सो दैट्स इट अबाउट द बिटवाइज ऑपरेटर्स. इफ़ यू अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दैट, डू क्लिक द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, इट्स फॉर फ्री. एंड बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.